हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम टू सीखाज मेकवर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीटली कम्प्लीटली फॉर बेनर्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने लिप्स को प्रैप किया किसी भी लिप बाम से उसके बाद आपको ना यूज़ करना है एक अच्छा सा टोनर या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एक रोज़ वाटर मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ किया किसी भी ब्रांड का आप रोज़ वाटर ले सकते हैं उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ना आप हर एक स्टेप में थोड़ा सा वेट करो किसी भी स्टेप को झटक से दूसरे स्टेप पर आपको नहीं जम करना तो आपको ना यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा टोनर को सूखने देना है और उसके बाद हम कर लेंगे अपनी मॉइस्चराइजिंग uh, और मॉइस्चराइजर के लिए ना आप किसी भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो आपको मॉइस्चराइज़र लेना है और क्वांटिटी का बहुत ध्यान देना है गर्मी चल रही है तो बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाओगे नहीं तो आपका मेकअप ना बहुत ज़्यादा पैची पैची और बहुत ही ऑयली लगेगा तो मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में अपना मॉइस्चराइज़र लगाया उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बहुत ही अच्छा सेल्फ मेकअप के लिए प्राइमर लैक्मी की ब्लर प्राइमर एप्सोलूट ब्लर प्राइमर सच में ये ब्लर करता है फेस को और यहाँ पे आपने क्वांटिटी देखा देखिए लगाते ही मेरे पोर्स पूरे मतलब आ, मेरे तो ज़्यादा पोर्स नहीं है फिर भी जिनके भी पोर्स होंगे ना उनकी पूरा क्लॉग हो जाएगा पोर्स और बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आएगा ब्लर इफेक्ट आएगा मेकअप बहुत ही स्मूद और ग्लाइड करेगा फेस पे तो इस तरह से लगाने के बाद आपको फिर स्टार्ट करना है कंसीलिंग तो मैं यहाँ पे विगनेस के लिए कभी भी नहीं बोलूँगी आप ऑरेंज सेड लगा लो आप अपने स्किन टोन से हमेशा थोड़ा सा डार्कर टोन लेना मैंने यहाँ पे इन साइड का कंसीलर लिया है जो कि फुल कवरेज है बहुत ही प्यारा सा तेक कवरेज है आपको लगाने के बाद ना आपके मतलब जो भी डार्क सर्कल वगैरह है अनिवेनस है पिगमेंटेशन है एक्ने है जो भी है ना सब कुछ को ये हाइड कर देगा और इस तरह से आपको ब्लेंड करना है आप अपने फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं बस आपको ना एक अपना स्किन टोन से डार्कर टोन ले लेना आप देख सकते मेरे स्किन टोन से ना ये वाला कंसीलर थोड़ा डार्कर था और इस तरह से ना प्रोडक्ट को आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है प्रोडक्ट अगर आप जोर से ब्लेंड करो ना खींच खींच के तो वो प्रोडक्ट हिल जाएगा जगह से फिर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं

फेस ना एकदम प्रोमिनेंट दिखता है तो इस तरह से लगाने के बाद मैंने आज यूज़ किया है और टेंट मैंने एलिटीन का यूज़ किया गया ये टेंट ना बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और एक बात बोलूँगी इसको लगाने के बाद आप थोड़ा भी सेकेंड यूज मत, मतलब वेस्ट मत करना फटाफट इसे ब्लेंड कर देना क्योंकि ये ना पैच हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी इसको छोड़ देते हो ना अपनी स्किन पे तो पैचेस बन जाएगी तुरंत तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर आप ये वाला टेंट यूज़ कर रहे हो तो बहुत प्यारा लेकिन थोड़ा सा पैच छोड़ देगा अगर आप इसे लेट से ब्लेंड करोगे तो फटाफट इसे ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के बाद ये ना बहुत अच्छे से मतलब स्टे भी करता है इसका स्टे भी बहुत अच्छा है करेंटली मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और प्राइस वगैरह भी बहुत ही अफोर्डेबल है इस उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो कंसीलर लगाया था हाइलाइटिंग लाइटिंग सेड एल एंड टेन था मेरे लिए यहाँ पे हाइलाइटिंग लाइटिंग सेड तो उसे मैंने इसे यहाँ पे ब्लेंड कर दिया और देखिए ब्लेंड इस तरह से करना है बहुत हल्के हाथों से डैब डैप करके इस तरह से ब्लेंड करेंगे आइस के ऊपर भी ऊपर भी मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और आप देखिए कि इस तरह से करने के बाद ना आपका फेस एकदम ही हाईलाइटेड लगेगा आपने जो जगह पे कंसीलर आ, मतलब डार्क टोन की कंसीलर लगाई होंगी वो जगह ऑटोमेटिकली आपके कंटोर जैसी दिखेंगी उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अगेन ब्लस ऐड किया था ब्लस कम लग रहा था मुझे तो मैंने थोड़ा सा और टेंट ऐड किया और उसे इस तरह से करूँगी ब्लेंड ये ना मल्टीपर्पज़ है आप आई सैडो की तरह लगा सकते हैं टेंट लिप्स चिक हर जगह आप इसे लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका अमेजिंग सा साड है और लिप पे भी मैंने सेम टेंट लगाया है उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की एलिमिनेटर जिसे मैं एज ए हाईलाइटर यूज़ करूँगी और यहाँ पर इस तरह से लगाना है हाई पॉइंट पर हम हमेशा हाईलाइटिंग हाईलाइटर को यूज़ करते हैं आज मैंने लिक्विड हाईलाइटर लिया है और आप देखोगे ओवरऑल मेकअप में इसकी साइन गज की है बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है आपने इसे हमेशा मतलब विदाउट uh, मतलब अगर आपको मेकअप नहीं भी करना है अपने मॉइस्चराइजर में अपने फाउंडेशन में किसी भी चीज़ में आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं अमेजिंग ग्लो आएगा ये देखिए कितना प्यारा सा साइन आ गया फेस पे तो इस तरह से आपको लिक्विड हाइलाइटर को यूज़ करना है और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मतलब अप्लाई कर रही हूँ पाउडर कॉम्पैक्ट जो कि है फेसेस की आप ना कभी भी मतलब जब आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर तो आप क्रीम ही यूज़ करते जाओ जब आप पाउडर कर लेते हो ना उसके बाद आपको सारे प्रोडक्ट्स पाउडर के यूज़ करने हैं ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है मेकअप को सेट कर रही हूँ अच्छे से पाउडर से और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मास्क का आ, पैलेट जिससे मैंने इस तरह से कंट्रोल कर रही हूँ एंगल ब्रश लेके इस तरह से आप देखिए कंट्रोल करने से आपके फेस में डिफरेंस मैं दिखाऊंगी कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है नोज़ को भी इस तरह से कंट्रोल कर ले सेम ब्रश को स्क्वीज करके ये देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा होगा सेम ब्रश से मैंने थोड़ा सा अपने आइज़ को भी कंट्रोल किया है क्योंकि बहुत ही सटल सा मैं आई मेकअप करूँगी जो कि आप बिगिनर भी कर सकते हैं सेम पैलेट से मैंने ब्लश यूज़ किया है आप किसी भी सेड का ब्लश यूज़ कर सकते हैं अगर आप वेर स्किन टोन के हैं तो और अगर डीपर है तो आप डीप टोन के ब्लश यूज़ करेंगे फेसिस के फिक्सर से मैंने अपना मेकअप को फिक्स किया और सेम हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने हाइलाइटिंग करने के लिए फेस को ये देखिए इसका हाइलाइटर आफ्टर फिक्सर कितना ज़्यादा ग्लो करता है तो ये ना आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हाइलाइटर लगाओ भर भर के लगाओ सॉफ्ट लगाओ सटल लगाओ दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू और ये हो गया मैं थोड़ा सा फिंगर न, अपने नोज टिप पर ना हमेशा फिंगर से यूज़ करती हूँ उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है आईब्रो बोन्स को भी मैं अभी ही कर लूँगी हाईलाइट उसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप स्टार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंसीलर लिया है सेम जो मैंने पहले यूज़ किया था इन की ही है और कंसीलर को हमेशा पाउडर से, से सेट करें अल्टीमेट पैलेट है स्वीज़ ब्यूटी की जिससे मैंने ब्राउन सेड लिया है लाइट ब्राउन सेड और लाइट ब्राउन सेड को ना इस तरह से क्रीज पे ब्लेंड कर दूंगी उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं फेसिस की काजल है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी काजल है बहुत ज़्यादा अच्छी उसके बाद ना इसे काजल को ब्लेंड कर लूँगी सेम मतलब ब्लैक कलर के साथ आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्लैक यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने यूज़ किया है डार्क ब्राउन कलर ब्लैक को मैं ब्लेंड कर रही हूँ डार्कर ब्राउन से और इनर कॉर्नर पे भी इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मतलब आ, इंटेंस वाली मेकअप नहीं है ऐसा मेकअप है आई मेकअप जो हर बिगिनर्स कर सकते हैं सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करके अपने आ, जो मैंने काजल के स्ट्रॉक लगाए ना उसको अच्छे से मैं क्रिप्स कर लूँगी कंसीलर से हाइलाइटर से आप इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं और फिर अपने आईब्रो बोन्स को हाईलाइट करना है साथ ही साथ ब्लैक कलर और ब्राउन को मिक्स करके इस तरह से आईब्रो बोन्स को सॉरी गाइस आईब्रो को डिफाइन करेंगे और स्पूली से उसे कम कर लेंगे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा मस्कारा बहुत अच्छी है मार्स की आप जरूर ट्राई करना फॉल्स लैसेस लगाने से पहले मस्कारा इस तरह से आपको लगाना है और फिर ना यहाँ पे मैं स्वीस ब्यूटी की ग्लॉस ले रही हूँ बहुत प्यारी ग्लॉस है और फिर फॉल्स लैसेस लगाऊंगी एंड दिस इज गोइंग टू द फाइनल लुक होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो सिंपल मेकअप टूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया स्टेप बाय स्टेप उनके लिए जिनको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है इस तरह का मेकअप बेस सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लेना सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के जो वीडियोज़ में लेकर आती रहती हूँ तब तक के लिए बाय बाय जे कैन एंड जय माता दी फ्रेंड्स यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेट यून फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़